चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज आमिर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। वेल, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं, बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हुए नजर आते हैं, बल्कि अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के साथ साथ अपने दिल की बात भी शेयर करते हुए देखे जाते हैं। मोटिवेशनल पोस्ट के जरिए फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसी दौरान देखने को मिलता है कि कभी कभी वह अपने करीबी लोगों को भी याद करते हुए देखे जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, अमिताभ बच्चन याद करते हुए नजर आए हैं हाल ही में एक्टर इरफान खान को। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई थी दिवंगत अभिनेता इरफान खान ने। साल 2020 में 29 अप्रैल के दिन इरफान खान महज 54 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। दरअसल इरफान खान एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, न्यूरो एंड्रोक्राइन नाम के ट्यूमर से वह पीड़ित थे और इसी बीमारी के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अमिताभ बच्चन और इरफान खान की दोस्ती से हर कोई वाकिफ रहा। फिल्म पीकू में दोनों ने साथ में काम किया था और इस फिल्म के दौरान दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आए। इरफान खान को गुजरे हुए 2 साल होने को जा रहे हैं और अब अमिताभ बच्चन ने एक लेटर लिखा है उनके बेटे बाबिल खान को, जो हर किसी की आंखों को नम कर देने वाला है। इस लेटर में बिग बी ने क्या कुछ लिखा है, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार इरफान खान आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं जो हमेशा ही हमारे बीच जिंदा रहेंगी। इरफान खान को गुजरे हुए 2 साल होने को जा रहे हैं और इन 2 सालों में देखने को मिला है कि जहां एक तरफ परिवार के सदस्य उन्हें काफी ज्यादा मिस करते हुए देखे जाते हैं, वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी उन्हें याद करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में याद करते हुए देखे गए हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन इरफान खान को। अमिताभ बच्चन ने एक लेटर भी लिख दिया है इरफान के बेटे बाबिल खान को और इस लेटर में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जानकारी के लिए आपको बता दें, इसी साल 17 मार्च के दिन अमिताभ बच्चन ने एक नोट लिखा है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे बाबिल, जिंदगी कुछ वक्त के लिए है और मौत वह सच है जो हमेशा के लिए रहता है, लेकिन दोस्ती मौत से भी परे है। यादें पीछे रह गए लोगों पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाती हैं और इन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। हर बार हमें एक मुहावरे, एक चुटकुले और एक एक्शन के माध्यम से किसी करीबी की याद दिलाई जाती है। ये वो चीजें हैं जो हमें मौत के बाद करीब रखेंगी। इस तरह से अमिताभ बच्चन ने बाबिल के लिए ये नोट लिख रिपीट और इस तरह से अमिताभ बच्चन ने बाबिल के लिए ये नोट लिखा है, उन्हें समझाया है। मालूम हो कि बाबिल हमेशा ही अपने पिता को याद करते हुए देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ ने यहाँ पर बाबिल के लिए और भी बातें लिखी हैं। वह लिखते हैं कि तुम्हारे पिता एक महान आत्मा थे और उन्होंने जिनकी भी जिंदगी को छुआ, आज वह एक बेहतर इंसान है क्योंकि वो उनसे मिले थे, उनकी सभी को याद आती है। अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर इस लेटर के अंत में बाबिल, उनकी माँ सुतापा सिकदर और उनके छोटे भाई अयान के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। इस लेटर पर यहाँ पर कई रेड हार्ट इमोटिक भी नजर आ रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस लेटर को दस्तखत रिपीट जानकारी के लिए आपको बता दें इस लेटर पर अमिताभ बच्चन ने अपने सिग्नेचर भी किए हैं। लेटर हेड वाले पेपर को प्रिंट किया गया है और इस तरह से दिवंगत अभिनेता इरफान को याद करते हुए अमिताभ बच्चन बाबिल को ये संदेश लिखे हैं, जो हर किसी की आंखों को नम कर रहे हैं।
आप सभी ने देखा जाना कि अमिताभ बच्चन किस तरह से इरफान खान को याद करते हुए नजर आए हैं। आज इरफान खान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं जो हमेशा ही हमारे बीच जिंदा रहेंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।